पोजीशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। ये ना डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ते हैं, हम पहले एक डायग्राम को देखते हैं। बहुत सही डायग्राम है जिसने बनाया, आप देखो। ये बहुत बढ़िया डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया। सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट हर तरफ एमिट हो रही है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर एक सोर्स में से लाइट हर तरफ एमिट होती है, तो आप क्रेस्टेंट ट्रफ हर डायरेक्शन में शो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो क्रेस्टेंट ट्रफ, क्रेस्टेंट ट्रफ, क्रेस्टेंट ट्रफ हर डायरेक्शन में आप शो कर सकते हो, राइट। ऐसी एक और सोर्स है ये रहा, इसके अंदर भी क्रेस्टेंट ट्रफ, क्रेस्टेंट ट्रफ, क्रेस्टेंट ट्रफ आप हर डायरेक्शन में शो कर सकते हो। ऐसे क्लियर है यहां तक? तो अब एक चीज देखो, इस एक्सपेरिमेंट में मेरे को दो आइडेंटिकल सोर्सेज लेने हैं। इस टॉपिक में आइडेंटिकल सोर्सेस को बोला जाता है कोहरेंट सोर्सेस। तो डेफिनेशन में मेंशन भी किया हुआ था, फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। कोहरेंट का मतलब एकदम आइडेंटिकल, मतलब अगर ये सोर्स डिस्टरबेंस यहां जनरेट करता है और क्रेस्ट जनरेट करता है, तो ये भी इतने डिस्टेंस पे एग्जैक्टली क्रेस्ट ही जनरेट करेगा, इतना आइडेंटिकल। और दो बल्ब चाहे सेम, चाहे देखने में आइडेंटिकल हैं, वो फिर भी कोहरेंट नहीं सोर्स प्रोवाइड कर सकते, कोहरेंट लाइट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। आप कहोगे वो तो सेम वॉटेज के हैं, सेम तरीके के बल्ब हैं, फिर आइडेंटिकल लाइट क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं लाइट की जनरेशन में और फिर नीचे आते हैं और लाइट एमिट होती है। लाखों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे गिर रहे हैं, तो उनकी मोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है उस लेवल तक। और मुझको बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स चाहिए, तो दो बल्ब आइडेंटिकल सोर्स की तरह काम नहीं करते। इसीलिए यंग्स ने क्या किया था, यंग्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स लिया, बस एक बल्ब लिया, और उसको उसके आगे एक स्क्रीन को रखा। स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे दो होल्स कर दिए, इतने छोटे एमएम के अंदर है इसकी विड्थ, इसको स्लिट बोलते हैं। दो स्लिट्स कर ली, इससे क्या हुआ, क्योंकि लाइट यहां से निकली, आधी लाइट यहां से निकलेगी और आधी यहां से निकलेगी। तो जितनी लाइट यहां से निकलेगी एग्जैक्टली उतनी लाइट यहां से निकलेगी, और जो जो फेजेस इसके लाइट के चेंज होंगे, वही फेजेस इसके भी चेंज होंगे। तो कहने का मतलब कि दो अलग अलग बल्ब लेने की बजाय एक ही बल्ब ले लिया और इक्वी डिस्टेंट ले लिया होल से, वो होल्स पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और वही लाइट को आधी इधर निकाल रहे हैं, तो आइडेंटिकल लाइट है। ठीक, हम कह नहीं सकते कि ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि एक ही सोर्स ने जनरेट किए, तो आइडेंटिकल रेज ही जनरेट होंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तभी तो एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम क्या है, यंग साइंटिस्ट का नाम, डबल दो स्लिट्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है यहां तक? तो देखो, इमेजिन करो यहां पर वेव्स ही वेव्स निकल रही है, इसने कम बनाई है, जबकि वेव तो हर तरफ ही वेव्स ही वेव्स होंगी। ऐसी यहां से भी वेव्स ही वेव्स निकल रही हैं। सामने एक स्क्रीन को रख दिया गया, कुछ पॉइंट्स पे ऐसा देखा कि नॉर्मल लाइट से ज्यादा लाइट जो है यहां पर दिखाई दे गई, यहां पर ज्यादा लाइट गिरी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे देखे गए जहां पर लाइट होनी चाहिए थी पर लाइट दिखी नहीं, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट आ गया। जबकि दो दो सोर्स ऑफ लाइट है, स्क्रीन पे लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी, फिर ब्लैक स्पॉट कैसे आ सकता है, वहां पर डार्कनेस कैसे आई बीच में? वो इसलिए आई क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ एक दूसरे के ऊपर गिर गया, और क्योंकि आइडेंटिकल है, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी ए है, आपस में क्या कर गया, पूरी तरह कैंसल, और यहां पर डार्कनेस हो गई। लेकिन यहां पर अगर एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी का भी ए है, ए और ए मिला के कितना हुआ, 2A, नॉर्मल से ज्यादा लाइट गिरेगी यहां पे। तो यहां पर नॉर्मल से ज्यादा लाइट गिर गई, यहां पर गिरी नहीं, यहां पर ज्यादा गिर गई, यहां पर गिरी नहीं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल से ज्यादा लाइट गिरी और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं गिरी, जबकि होना ये चाहिए था एक स्क्रीन के ऊपर एनर्जी गिरनी चाहिए थी लाइट की 10 10 10 10 10 यूनिट्स। गिरी कैसे, एक पॉइंट पर गिरी 20, एक पे 0, 20 0 20 0, टोटल एनर्जी रिमेनिंग दी सेम। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। जब एक लाइट का दूसरी लाइट के साथ आपस में सुपर इम्पोज होना और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर लाइट का ज्यादा गिरना और कहीं पर
कम गिरना, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। जहां पर लाइट नॉर्मल से ज्यादा गिरी वो ज्यादा ब्राइट पॉइंट आया, और यहां पर इंटरफेरेंस को क्या नाम दिया गया, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर आपस में कैंसलेशन हो गई वहां पर इंटरफेरेंस का क्या नाम दिया गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ठीक है यहां तक। इसी डायग्राम को ऐसे भी बनाया गया, फिर से एक सोर्स है चेक कर सकते हो, दो स्लिट्स हैं चेक कर सकते हो, यहां से लाइट आई ये चेक कर सकते हो, लाइट आई ये वेव फ्रंट की फॉर्म में डायग्राम है, यहां से वेव फ्रंट्स आए आपस में, वेव फ्रंट से वेव फ्रंट अब देख पा रहे हो इसमें जो है कंसाइड कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर मैक्सिमा का पॉइंट आया, कहीं पर ज्यादा लाइट है, कहीं पर कम लाइट है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, एंड सो ऑन। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर पैटर्न देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ा अलग डायग्राम मैंने पेस्ट किया पर बहुत बड़ा है, पर ये एमएम के अंदर ही थिकनेस है, बहुत छोटी है, बड़ा करके बनाया है। तो जहां पर मैक्सिमा है वहां पर लाइट ज्यादा दिखाई दी, जहां मिनिमम है वहां ब्लैक स्पॉट नजर आया, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, कुछ इस तरीके से। तो जहां लाइट, इसको ब्राइट बैंड भी बोला जाता है, डार्क बैंड बोला जाता है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके से। बैंड को इस चैप्टर में फ्रिंज बोला जाता है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, एंड सो ऑन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। और ये अगेन यंग्स को, अगेन ऐसा तो था नहीं कि यंग्स को लगा कि ऐसा ही होगा तो ऐसा निकल आया, कोई ऑब्जर्वेशन तो रही होगी। और ऑब्जर्वेशन किसी भी लाइट की, जो वेव की ऑब्जर्वेशन है, वो लाइट जो है वो कहाँ से इंस्पायर हुई, वाटर से, क्योंकि सेम एक्सपेरिमेंट वाटर के अंदर देखा गया, इसलिए उसने दिमाग लगाया कि ये लाइट में भी सेम होता होगा। उसने प्रूव करके दिखाया कि जैसे वाटर के अंदर वेव सुपर इम्पोज होती हैं, ऐसे लाइट में भी होती होंगी। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी दिखाता हूँ कैसे हुआ ये। If light were behaving as particles, you would expect them to go through each slit and just produce a bright spot underneath. So we would see two bright spots on the bottom of the box. But if light's behaving as waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. And this is exactly what was happening with the light. When the light from one slit met up peaks with peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough from the wave from one slit met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere and you wouldn't see any light there. It's light canceling itself out. Look at this computer simulation of two waves from two point sources. The two red squares on the left are two sources of waves. The line on the right is the screen. As the waves cross each other, crests meet troughs at certain places and cancel each other's amplitudes. These places line up, and we find these nodal lines where the amplitude is zero. At other places, crests meet crests or troughs meet troughs, and they double the amplitude. These places line up, and we find these antinodal lines, where the amplitude is a maximum. As the waves travel forward and hit a screen, we can see these places with greater amplitude and zero amplitude. Even though we must use water waves to demonstrate interference like this, the pattern on the screen is like the pattern Young saw on his screen, and so scientists feel that this is strong evidence that Huygens was correct. Light does travel as a wave. Huygens went further to describe how a wave travels. Let's see what Huygens said back in the 1600s. Imagine a wave of the sea coming towards the beach. Imagine four points in the wavefront,
and each point makes a circular wavelet that spreads out in all directions. The fronts of the circular wavelets are like a new straightway front. We can draw this white line as a tangent to all the circles. This white line represents the new wavefront. To get the tangential surface, we draw a line across all the little wavefronts. That means a straight wavefront travels forward as a straight wavefront. So a straight wavefront has many points that make little waves that form another straight wavefront. To show the direction that the wave moves, we draw an arrow. The arrow is perpendicular to the wavefront. Arrows like this are then the rays that you have drawn in ray diagrams when you studied reflection and refraction. The arrow is not the wave. Point समझ में आया बस ये बताओ आप तो wave front का point समझ में आ रहा है कि क्या wave okay तो अब definition पढ़ते हैं तो definition में it is the phenomena of redistribution of light energy तो क्या discuss किया light energy redistribute हो गई in the medium on account of superposition of light waves from two coherent sources तो क्या बताया कि दो coherent का मतलब identical sources identical इसलिए क्योंकि अगर identical होंगे तो दोनों का amplitude exactly क्या होगा same और जहां वो cancellation होगी light की तो हमें दिखेगी proper cancellation क्योंकि अगर amplitude different हुआ तो cancellation proper दिखेगी नहीं वहां कुछ ना कुछ light गिर जाएगी तो coherent source का होना जरूरी है at points where resultant intensity of light is maximum हम क्या बोलते हैं interference is constructive And at points where resultant intensity of light is minimum, हम क्या बोलते हैं interference is destructive. क्या ये point clear है यहाँ तक constructive, destructive? ठीक? ये experiment किसी ने पूछा सर दो tube जल रही हैं वो रही मेरे को तो दिखाई नहीं देता यहाँ constructive, destructive यहाँ तो light ही light है क्योंकि white light में सात रंग हैं सात रंग सात रंगों के साथ interfere करोगे तो दिखेगा क्या light ही light दिखेगी तो यहाँ पर आपको जो light लेनी है वो laser लेनी है इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं सिंगल कलर लाइट क्योंकि ये लेजर लाइट के साथ ही एक्सपेरिमेंट होगा नॉर्मल